उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज। मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। तो आप यहाँ से रोज निकल रहे हैं, तो कैसी स्थिति है रोड की महाराज जी? एकदम दयनीय स्थिति है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? रोड अच्छा हो जाए और कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम रास्ता तो सही निकल रहे हैं। ये स्थिति है, देखो क्या स्थिति हो रही है चारों तरफ। गंदगी है और हम तो चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते तो रुकना पड़ता है, तो ये गंदगी में पैर चले जाते हैं, सब बेकार हो जाता है। तो हाँ, किसी भी माध्यम से यदि ये सेवा हो जाए तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कभी नहीं बनेगा ये, क्यों नहीं बनेगा? प्रतिदिन हजारों लाखों कर्मचारी, गवर्नमेंट के नुमाइंदे और दिल्ली से नाना कितने प्रकार के ऐसे लोग आते हैं, ये हाल देखें वो लोग, इसके लिए किसी को कुछ नहीं दिख रहा। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी मेरा नाम भरत दास, आश्रम में रहता हूँ जी। जी जी, हम लोग यहाँ से 50 बार जाते हैं। रोडवेज वाले की एक नाम है जो एक्सीडेंट आला पब्लिक का परेशान हो। जिस दिन वोट जरूरत पड़ेगी उस दिन सारे हाथ, चाहे समाजवादी वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं देखते। जबकि धार्मिक स्थल है ये बाके बिहारी वृंदावन धाम का मेन रोड सालों से पड़ा हुआ है, यहाँ पे टेम्पो पड़ा हुआ है, घटना घटा हुआ है, आज 5 दिन में छठी घटना है। कल भी यहाँ पे टेम्पो पड़ा हुआ था एक उल्टा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पर। क्या नाम है आपका भैया? सैनी नाम है मेरा सर। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ मैं, वृंदावन का ही निवासी। क्या रोज आते जाते हैं इस रोड? रोज आता हूँ मैं डेली। मतलब रोड कब से खुदा पड़ा है? ये सालों हो गई है इसको, 1 साल से ऊपर हो गया इसको। अच्छा, नगर निगम की तरफ? नगर अभी मैं बोल रहा था कोई भी मोबाइल हो तो उसका वीडियो बनाए। नगर निगम वालों से बात हुई? नगर निगम वालों से हम क्या बात करेंगे साहब, बताओ। नगर निगम के अंदर है, निगम वालों को नहीं दिख रहा है ये, अंदर है वो नगर निगम वालों को नहीं दिख रहा है। इतना बड़े रोड बन रहा है, इतना ये बन रहा है, इतना दिन से पड़ा हुआ है, इसी खंजर वो ना देखेंगे? 1.5 साल से ज्यादा है पूरी रोड डेली हालत। कल यहाँ पे टेम्पो पड़ो वो हमने उठवाया कल। ये देखिए, ये VIP रोड है जो बिहारी जी जाने के लिए। यहाँ सीवर का पानी भरा हुआ, और जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ एक टेम्पो वाला पलट गया, और रोज यहाँ रिक्शे टेम्पो वाले पलट रहे हैं, लोग चुटेल हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की कानों पर जू नहीं रोंगती है, रेंग रही है। क्या यही विकास का मॉडल है? मैं जानना चाहता हूँ उन नेताओं से जो इस रोड से होकर निकलते हैं और इस रोड को अनदेखा कर रहे हैं। देखिए आप स्थिति, ये सीवर का लाइन पानी जो है वो भरा पड़ा है, रोडों पे गड्ढे हैं और लोगों का गुस्सा यहाँ देखते ही बन रहा है। गाड़ी पलटी थी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम तो भोले शंकर। तो यहाँ क्या तुम्हारी भी गाड़ी पलटी है? जी। तो रोज देख रहे हो आप इस तरीके से? इस तरीका से गड्ढे हो रहे हैं अजीब तरीका के। अच्छा, ये वैसे मेन रोड कौन सा बिहारी जी के लिए? बिहारी लिए टल्ला चुंगी मेन रोड है, मथुरा से आते हैं, ये मेन रोड है। ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज। मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार
न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख, जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।